सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हमारा न्यू ट्रिक के साथ फुल ट्यूटोरियल के साथ। तो भाई लोग हमारे वीडियो बनाने का मन नहीं था भाई, लेकिन भाई लोग जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाला फोटो पोस्ट किए, बहुत सारे भाई लोग कमेंट आ रहा था कि फुल ट्यूटोरियल इसका लिया हो, पूरा फुल ट्यूटोरियल। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा रियल तरीके से 100% किस तरह बैकग्राउंड को अटैच मतलब ऐड किया हूँ अपने बॉडी को गर्ल्स के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का छोटा मोटा एक अपने इस वीडियो के अंदर ट्रिक बता दिया हमको कैसे कट करके किसी दूसरे के साथ आप लोग बैकग्राउंड में अपना बॉडी के वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गर्ल्स का फेस, मेरा भी फेस किस तरह भी अच्छे तरीके से इसमें मैच करवा दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं साइड के साइड पर मैं किस तरह मैं पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा रियलिटी 100% मैं यहाँ पर सामने बैकग्राउंड में बैठा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ न्यू ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो बस आप लोग कुछ नहीं करना, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, वीडियो का एंड तक ले पूरा फुल वॉचिंग करते तब लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए इस नया पर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग अपना ओरिजिनल फोटो जरा देख लेते हैं कैसा है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कुछ इस टाइप का फोटो ओरिजिनल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैसे बैकग्राउंड को कट किया है और इस बैकग्राउंड को फोटो में से कट करके ऑलरेडी कट कट करके रख लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो गर्ल्स का पीएनजी जो फोटो बैकग्राउंड है इसी में हम लोग यहाँ पर बॉडी को अपने अटैच करना मतलब ऐड करना है। कैसे ऐड करना है इसको पहले सबसे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले बैकग्राउंड को फोटो को हम लोग कुछ नहीं करना, सीधा हम लोग सेंड का ऑप्शन हम लोग क्लिक करके अपने पिक्सर एप्लीकेशन में सेंड कर लेना है। ठीक है, तो इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सर एप्लीकेशन में सेंड करने के बाद सीधा कुछ नहीं करने का, मतलब बैकग्राउंड बहुत सारे पहले फट जाता है, लेकिन लो टेंशन है सब इसके अंदर बता दो। टूल्स के ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर जो रिसाइज का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर देख सकते हैं इस पर हम लोग क्लिक करके कुछ नहीं सीधा कट कर लेना है। इसको यहाँ पर 5000 डाल देना है, तो यहाँ पर देख सकते 25 और 29 आ गया। इस पर हम लोग रिसाइज पर मार देना है क्लिक करके, और अपने यहाँ से अपने फोटो ऐड वाले ऑप्शन पर आकर जो अपने फोटो रूम बैकग्राउंड से हम लोग कट किए थे इस वाले फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग एडजस्ट करना आप लोग सब बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसको ऑफसेट कम करके यहाँ से अपना अच्छे तरीके से बैठा लेना। ठीक है, यहाँ से ऑफसेट कम करके फिर ऑफसेट फुल करके यहाँ से इरेजर वाले सब पर क्लिक करके इरेजर ऑप्शन पर, ठीक है, इसको इन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते इन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से साइज को फुल और अपने यहाँ से अपने हिसाब से इसको अपने इरेज कर लेना। ठीक है, मतलब उस साइड का ऑप्शन बाहर का ऑप्शन से नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं आप अच्छे तरीके से मैं किस तरह यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ इसको, ताकि लगे कि मैं मतलब रियल में लगे कि सही तरीके से एडिटिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हल्के हल्के से इरेज कर लेंगे तो एक भी पार्ट बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ताकि देखने में बेकार से लगेगा, नहीं तो आप भी आराम आराम से इसे इरेज कीजिएगा, उधर के साइड से पार्ट से आप लोग इरेज कीजिएगा तो आराम बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो देख सकते हैं मैं इरेज यहाँ पर कर रहा हूँ किस तरह अच्छे तरीके से यहाँ पर मेरा इरेज हो रहा है फोटो, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पैर भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इतना इरेज होने पर साइज को कुछ इस तरह बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो एडजस्ट करने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना है यहाँ सिंपली यहाँ गाइज यहाँ से फिर इस तरह एडजस्ट करके और यहाँ से लगा लेना है अपने हैंड को और इस तरह से बैठा लेना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर बैकग्राउंड बैठ चुका है। ठीक है, मेरा इस टाइप का लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है, तो इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एडजस्ट करने के बाद सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको यहाँ से इस साइड पर एडजस्ट होगा। ठीक है, इसको पुश नहीं करना है, साइज को फिर से फुल करके इसको बड़ा कर लेना है और अपने हैंड से यहाँ पर चिपका लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसे जहाँ जहाँ इरेज हुआ था फिर से इससे इरेज कर लेते हैं और जहाँ ज़्यादा पार्ट निकल गया है उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि लगे कि रियल में लगे। फिर यहाँ से इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके सो गाइस यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और सीधा हम लोग देंगे जहाँ पर देख सकते हैं मेरा बॉडी यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो सीधा हम लोग राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है, और आप लोग यहाँ से अपने स्टिकर वाला ऑप्शन पर यहाँ पर साइड से जाकर आप लोग दिया का पीएनजी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ से कुछ नहीं करना, पहले हम लोग सीधा आप लोग टूल्स वाला एप्लीकेशन में आ जाएंगे यहाँ पर और एप्स में बताना पड़ता है, लेकिन इसी एप में आप लोग क्यों ना बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कर्वस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एक कलर को हम लोग पहले हम लोग ब्राइटनेस को कम कर लेंगे और सिंपली कर यहाँ पर जो हरा कलर है इसको हम लोग कम करके और यहाँ से इसको नीचे से सेल पर खींच लेंगे और एक पीला कलर आप लोग दिखाएंगे पीला कलर, तो पीला के साइड पे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ताकि लगे रियल इसी दिन के जितना होने के बाद सीधे हम लोग फोटो को राइट मार लेंगे। ठीक है, बता देना इस वीडियो के अंदर कि दिया का पेंजी कैसा है, स्टिकर वाला ऑप्शन पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा आप लोग पूजा, पूजा यहाँ पर लिखेगा, देख सकते हैं मैंने पूजा लिखा था तो मेरा दिया का पेंज वहाँ पर आ चुका है, मतलब यहाँ पर पूजा लिखा था दिया आ जाएगा। ठीक है,
मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसका कुछ नहीं करना है, सीधे स्कोप सेटिंग कम करके ठीक है, तो इसका साइज को छोटा करके यहाँ से अच्छे तरीके से इसको बैठा लेना है ठीक है। फिर इसका डुप्लीकेट यहाँ पर लेयर बनाकर फिर इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके ठीक है, ऐसे ऐसे हम करके बैठा लेंगे ठीक है। आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे आप अच्छे तरह एडजस्ट कर लिया हूँ ठीक है। तो दिन के जितना होने के बाद हम लोग सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम लोग फोटो को हम लोग राइट मार लेंगे और मतलब सेव कर लेंगे यहाँ से, सीधा अपने गैलरी फोन में ऑप्शन पर हम आ जाएंगे और अपने ओरिजिनल फोटो जो है तो देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटो को हम लोग लाइट रूम वाला एप्लीकेशन हम लोग शेयर शेयर कर लेंगे कुछ अपने फेस पर कलर टोन। आप लोग इसको स्मूथ करने इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्मूथ करना मेरे वीडियो में जानते हैं, आप लोग दूसरे वीडियो आप लोग देख सकते हैं उसमें मैं फुल स्मूथ बताया हूँ ठीक है। तो स्मूथ हम इसमें नहीं बता सकते हैं आप लोग को, तो इसमें बताऊँगा सिर्फ कलर टोन डालने के लिए फेस में ठीक है। तो कुछ नहीं करने से थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करना है हम लोग, लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा हम लोग प्लस कर लेंगे ठीक है, और हाईलाइट्स को इतना कम कर लेंगे, शेडो को इतना हम लोग बढ़ा लेंगे और वाइटनेस को हम लोग कम और ब्लेस को भी कम कर लेंगे ठीक है। जिनका इतना होने के बाद हम लोग कलर वाला ऑप्शन पा जाएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर को हम लोग इस साइड का प्लस कर लेंगे और ट्रेंड को हम लोग इतना बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा वेरियंस को इतना बढ़ाकर, जिनका इतना मिक्स वाला ऑप्शन पर आकर सीधा ऑरेंज वाला कलर पर आकर सीधे सिचुएशन को माइनस सब प्लस कर लेना है और सीधा रेड वाला ऑप्शन को सीधा उसको हल्का सा प्लस और यहाँ से थोड़ा सा हरा कलर का सीधा सिचुएशन प्लस, पिलर का सिचुएशन हल्का प्लस कर लेंगे, अब ब्लू वाला कलर का सिचुएशन प्लस ठीक है। इतना इतना डन मार्कर ठीक है। जो अब मेन स्टेप आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पर जो ग्रेटिंग वाला ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटिंग लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करके अब बीच वाला साइड पर हम लोग आ जाएंगे ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन देखिए, इस पर हम लोग क्लिक करके सीधा आप लोग सिचुएशन को प्लस कर लेंगे, अपने ह्यू को अपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फेस यहाँ पर कितना दोनों मैच हो चुका है, अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।